नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खाई की नेक्स्ट दो एपिसोड में बरलास की आप लोगों को मौत दिखाई जाएगी और उसे बादल ही मारकर यहां से भाग जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमदा दुराब खां को किस तरह मारेगी। बरलास का इस हालत में मरना सब घर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि बादल उन लोगों की गिरफ्त में होने के बावजूद भी बरलास को मारकर इन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान करके जाएगा, जबकि दुराब खां ये सदमा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि जिस तरह उसे पहले अटैक हुआ था, प्रलास की मौत के बाद उसको दोबारा अटैक हो और वो बिस्तर पर आन पड़े, क्योंकि बादल की आंखों में वो अपने लिए मौत तो पहले ही देख चुका था। लेकिन बरलास के इस तरह मरने के बाद उसके खौफ में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। दुराब अपने कमरे में बेड पर लेटा होगा और वो जमदा को वहाँ पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि बेटा, तुमने पहले भी बादल को पकड़वाने में हमारी मदद की थी, एक बार फिर से उसे पकड़वा दो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो हमारा पूरा खानदान खाई हो जाएगा। यहाँ पर जमदा दुराब खां से यह कहकर कि इस वक्त बादल की नहीं बल्कि तुम्हारी मौत का वक्त आन पहुंचा है, साथ में वो जोर से दुराब खां का गला भी दबा देगी और उसे तब छोड़ेगी जब दुराब खां अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा, जिसके बाद जमदा शोर मचा देगी कि आकर देखो बाबा को क्या हो गया है। तो भागते हुए सब लोग जब आएंगे तो दुराब खां पहले ही मर चुका होगा। तो यहाँ पर चनार फिर अकेला बच जाएगा कि उसके घर के तमाम मर्द एक एक करके खत्म हो गए हैं, जबकि जमदा अब चनार खां को ये बताकर उसकी जान लेगी कि सब लोगों को उसने ही खत्म किया है। चनार खां, तुम्हें मुझे भी उसी दिन ही मार देना चाहिए था जब तुमने मेरे पूरे खानदान को मार दिया था।